हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के कोर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक और कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है काउंट नंबर ऑफ वंस बीट्स। फ्रेंड्स, ये प्लेलिस्ट बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। अगर जो चाहते हैं अपने कोडिंग स्किल को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, उन्हें ये क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने चाहिए। तो हमारे जो क्वेश्चन है, गिवेन एन इंटीजर फाइंड द नंबर ऑफ वंस बीट्स इट हैज़। सो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू गिवेन होगा, हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ वंस बीट्स, वंस। सो जैसा कि हम जानते हैं, वंस और जीरोस जो होते हैं वो बाइनरी नंबर में होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इस इंटीजर नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आता है कोड लिखने की बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन का प्रोग्राम लिखने नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैंने उसमें ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है। आप पहले वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो में आए। तो लेट्स मूव ऑन। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो कितने हैं। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 6 का जो बाइनरी नंबर है वो 110 है। तो हमारे पास 111 जो है वो 2 टाइम्स है। तो सो हमारा आउटपुट जो होगा वो 2 होगा। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। सो 1, 2, 4, 8, ये हमारा ऐसे इंक्रीमेंट होते जाता है। जिस नंबर की आपको ज़रूरत है वहाँ पर हम 1 प्लेस करेंगे, और जिस नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ हम 0 प्लेस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 6। 6 के लिए मुझे चाहिए 4 plus 2। 4 plus 2 हमारा इक्वल टू 6 हो जाता है। तो इन दोनों नंबर को मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 1 प्लेस करूँगी, और 1 मुझे नहीं चाहिए इसके बाद, इसलिए मैं यहाँ 0 प्लेस कर दूँगी। आगे 0 इनपुट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो बाइनरी नंबर हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7 का। 7 का बाइनरी होता है 110 111। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो वो 1 है वो 3 टाइम्स है। सो हमारा आउटपुट भी होगा 3। चलिए अब ये इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। मॉडुलस ऑपरेटर जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, लेट्स 46 मोड इसको हम 9 से करते हैं, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो रिमाइंडर एज अ रिज़ल्ट होगा। सो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर एज अ आउटपुट प्रोवाइड करता है। वही डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है, हमें क्वेश्चन है वो एज अ आउटपुट रिटर्न करता है। तो ये बहुत बेसिक सा नॉलेज है, जो आई होप आप लोगों में से बहुत कोई को ऑलरेडी पता होगा। तो होप ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जो आपको ऑलरेडी पता होगी। सो हम अब क्या करने वाले हैं, उसी मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 13। अगर यूज़र 13 इनपुट करता है तो हमें क्या करना है, इंटरनली इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते जाना है, और साथ ही साथ इसके नंबर ऑफ काउंट वंस को हमें काउंट भी करते जाना है। जिसके लिए मैं क्या करूँगी, एक काउंट वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर करके जिसे 0 से इनिशियलाइज़ कर दूँगी, और इस नंबर को मैं इंटरनली एक एक करके कन्वर्ट करते जाऊँगी, और प्लस नंबर ऑफ वंस बीट्स को मैं काउंट भी करते जाऊँगी। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारा 13 होगा उसको मैं 2 से डिवाइड दूँगी। 2 से ही मैं डिवाइड क्यों दूँगी, क्योंकि हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 के पावर में मुझे जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड दूँगी। 2 6 13, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखते हैं। और ये हमारा क्या करता है, जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करते हैं और इसे डिवाइड देते हैं, तो हमेशा याद रखिए हम लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हैं, तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 1 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर मेरा जो डिजिट है वो 1 है, 0 नहीं है, इसलिए मुझे इसे कंसिडर करना है, और नंबर ऑफ वंस बीट ही मुझे काउंट करने, इसलिए मैं काउंट का वेरिएबल का जो इंक्रीमेंट है उसे इंक्रीमेंट कर दूँगी 1 से। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को लूँगी एज अ नेक्स्ट माई नंबर। इस 6 को मैं अगेन 2 से डिवाइड दूँगी, 2 3 6। यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। मुझे 0 को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मैं कोई डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इंटरनली कन्वर्ट करके उस नंबर ऑफ वंस बीट को काउंट कर रही हूँ। तो ये हमारा बाइनरी नंबर कन्वर्ट करने में तो यूज़ हो सकता है, लेकिन काउंट का वैल्यू मैं यहाँ इंक्रीमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है। फिर ये जो हमारा 3 है, मैं इसे नेक्स्ट नंबर लूँगी,
3, फिर अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड दूंगी, 2 1 2, यहाँ पे अगेन मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 है, और क्योंकि ये 1 है इसलिए मुझे इसे कंसिडर करना है नंबर ऑफ वंस बीट काउंट करने के लिए। तो मैं काउंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट कर दूंगी 2 से, और इस नंबर को यहाँ मैं प्लेस कर देती हूँ। यह हमारा बाइनरी नंबर कन्वर्ट होते जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं लेती हूँ इस नंबर को, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को एज माई नेक्स्ट नंबर। सो मैं यहाँ 2 0 0 0, तो यहाँ अगेन मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 है, और क्योंकि मुझे 1 कंसिडर करना है इसलिए मैं काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूंगी 3 से, और हमारा बाइनरी नंबर भी रेडी हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो 13 का बाइनरी नंबर है वो 101101 है। कैसे? 1 2 4 8, 8 + 4 + 1 हमारा 13 होता है। जिस नंबर की मुझे ज़रूरत नहीं है वहाँ मैंने 0 प्लेस कर दिया है। तो इस तरह हम देखते हैं नंबर ऑफ़ वन बीट्स जो है वो 3 है, और यहाँ पर मेरा काउंट का वैल्यू भी जो है वो 3 है। तो इस तरह ये हमारा लॉजिक जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए अब इसके कोड की ओर बढ़ते हैं और इसका ट्रायल रन करके देखते हैं कि ये इंटरनली रन कैसे करेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे व्हाइल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमारा कंडीशन, यहाँ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ क्यों प्लेस किया, क्योंकि मैंने अभी आपने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था जब भी हम डिवाइड देते हैं सीक्वेंस में तो हमारा जो लास्ट नंबर होता है जिसका क्वेश्चन क्या आता है, 0 आता है। इट मींस अब ये और 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा जो 1 था वो लास्ट डिजिट था, लास्ट प्लेस था जहाँ 2 से मैंने लास्ट टाइम डिवाइड दिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे, और ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए भी हमें चेक करना होगा। अगर 0 हुआ तो 0 का बाइनरी हमें कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि वो नंबर ऑफ वंस बीट उसमें होंगे ही नहीं। सो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, यस नंबर जो हमारा है वो 13 है। लेट्स, हाँ चलिए हम इसका ट्रायल रन करते हैं। नंबर हमारा 13 है, काउंट का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करूँगी। नंबर मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो 13 को हम जैसे कि यहाँ पर डिवाइड दिए थे फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो 6 आया था, और 1 जो आया, रिमाइंडर जो आया था वो 1 आया था। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, येस ये तो ट्रू हो गया, तो काउंट का वैल्यू जो है वो प्लस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा नंबर नंबर डिवाइडेड बाय 2, मतलब जिस 13 को मैंने डिवाइड दिया था 2 6 जो 12, उसका रिमाइंडर 1 आया है, और क्वेश्चन जो आया है हमारा 6 आया है। तो नंबर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो नंबर में रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो 6 हमारा न्यू नंबर होगा, और उससे मुझे 2 से डिवाइड देना है, तो 2 3 जो 6, यहाँ पर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो मुझे इसे कंसिडर नहीं करना है और ये काउंट प्लस प्लस एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये नंबर नंबर डिवाइडेड बाई 2 ऑफकोर्स होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 3 है वो रिप्लेस हो जाएगा नंबर में। फिर इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं 3 को डिवाइड देंगे, 2 1 जो 2, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, तो हमें क्या करना है, इसका काउंट का वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। तो ये हमारा 2 हो गया, अब यहाँ पर 1 है, इस लास्ट 1 को हम 2 से जब डिवाइड देते हैं 2 0 0 0, तो हमारा रिमाइंडर जो आता है 1 आता है, और क्वेश्चन जो आता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब ये वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एक बार और काउंट का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा। सो इस तरह हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वन बीट्स इट हैज़ थ्री वंस बीट्स। सो हमारा ये जो लॉजिक है वो परफेक्टली रन कर रहा है। चलिए इसका प्रोग्राम लिखते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना कोड ऑलरेडी टाइप कर लिया है। मैंने सी शार्प एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ किया है। आपको भी अदर लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा, एनीथिंग यू वुड प्रिफर। और हमने सबसे पहले क्या किया है, एक प्रिंट मैसेज किया है एंटर नंबर, उस नंबर को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसे एक नंबर वेरिएबल में स्टोर करके रख ले रहे हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो हो काउंट, जिसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ इफ़ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज हमारा फिर यहाँ पर बेसिक व्हाइल लूप आ जाता है जो मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक समझा रखा है। और इसी काउंट के वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट करवा दे रही हूँ नंबर ऑफ वंस बीट्स।
तो चलिए रन करके आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पर पॉप आ रहा है एंटर नंबर। सो हम अपना 30 नंबर ही डालते हैं क्योंकि हमने इसका ट्रायल रन किया हुआ है। सो नंबर ऑफ वन स्पीड इज़ 3। सो इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन और ये कोड एकदम लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।